धन गुरु रामदास साहब का साहबजादा ईरखा इन्नी हो गई जिन्हों लोग संत मानते सी लोभी निकलिया ईरखा च इन्ना फूकिया के चंदू दे नाल यारी पाली पंजवें पातशाह नूं मराउण वास्ते सरकार दे नाल रल गया कि पंजवां पातशाह किसे तरह भी गद्दी तो लाउणा है खत्म करना है। होया कि चंदू ने चिट्ठी लिखी भी आण के मैनू मिल तेरी मीटिंग कराइए बादशाह दे नाल। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਠੇ ਸੋਢੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਨ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਇਹ ਛੱਪੜ ਆ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾ ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿ ਛੱਪੜ ਨਾ ਆਏ ਇਹ ਛੱਪੜ ਚ ਨਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ चल तीर्थ हम तुम्हें दिखाए चल तेनू मैं अपना तीर्थ दिखाना। अपने तीर्थ उत्ते पहुंचिया जिथे इन्ने अपना तीर्थ बनाया सी हरिमंदर साहब की रीस ते होया कि दो तीन दिन रहा ते अगले दिन लाहौर नूं तुरना सी चंदू ने मीटिंग रखी सी कोई सेवक राती चौल ते दही लैके आया ते ईरखा जी खाई गया रात नूं ढिड पीड़ होनी शुरू हो गई ऐसी होई फिर है तो चलो गुरु का लहू सी महसूस हो गया भी मेरा अखीरला टाइम आ गया मौत हो गई। मौत होने तो बाद जिहड़ी घटना ना वह सिर्फ गुरबिलास पातशाही छेवीं ने लिखी है बाकी एवें संखेप जिहा जिक्र आउंदा ग्रंथां च। मौत होने तो बाद देवते रामगण ते जमदूत आ गए जमदूत कहिंदे इहनूं नरकां च लैके जाणा रामगण कहिंदे नहीं गुरु का लहू आ नरकां च नहीं जा सकदा सतगुरु का खून आ नरकां च किदां जाऊगा कहिंदे फिर फैसला कौन करे कहिंदे फिर गुरु नानक देव साहिब ते छड़ दो बई वह करन फिर क्यों उत्थे ते पक्षपात नहीं ना चलना कोई तां गुरु नानक देव साहिब ते छड़ दो फिर तां गुरु नानक देव साहिब दी भावें कि बाबा महादेव ने आख्या भी महाराज तरस करो पृथ्वी चंद नूं सचखंड च लंघा लईए वड्डा भरा सी तां महाराज कहण लगे नहीं तीन जन्म मैनूं सचखंड च निवास नहीं क्यों नजायज ईरखा करता रहा फजूल ईरखा करता रहा बिना मतलब तो करता रहा जिहदा कोई मतलब बनता ही नहीं सी। मैं जदों कथा पढ़ी तो मैं सोची पै गया कि जे उत्थे पृथ्वी चंद नूं थां नहीं तो थां तेनू मिलूगी जां मैनू मिलूगी उत्थे ते थां उहनूं मिलूगी जिन्हें अमृत छक के बाणी पढ़ी होगी जिन्हें अमृत छक के भगती की होगी गुरु साहब का वचन मन्निया होगा उत्थे ते सिर्फ उन्हूं थां मिलेगी।